हेलो एवरीवन, 6 सितंबर के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस टू लॉन्च इट्स न्यू सेंट्रलाइज्ड पोर्टल कॉल्ड ई समाधान। किस संगठन ने अपना नया केंद्रीकृत पोर्टल ई समाधान शुरू करने की घोषणा की है? तो वो ऑप्शन डी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस पोर्टल ई समाधान को शुरू करने की घोषणा की है। ये एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है ई समाधान, जिसे यूजीसी इस हफ्ते लॉन्च करेगा। वहीं इसके थ्रू जितने भी यूजीसी से एफिलिएटेड स्टूडेंट हैं और टीचर्स हैं, वो अपनी समस्या इस पोर्टल पे डाल सकते हैं और उस समस्या को मॉनिटर किया जाएगा और साथ में उसका समाधान भी दिया जाएगा। वहीं इस पोर्टल से 4 करोड़ छात्र और 15 लाख टीचर को बेनिफिट मिलेगा। वहीं बात कर रहे हैं यूजीसी की, तो फॉर्म हुआ था 1956 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे शांति स्वरूप भटनागर जी, और जो करंट चेयरपर्सन है वो है ममी दला जगदीश कुमार। विच स्टेट साइंड एन MOU विथ पार्ले फॉर ओशंस फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य ने महासागरों के लिए पार्ले के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो राज्य है जिसने MOU साइन किया है पार्ले फॉर ओशन के साथ, वो है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। और ये जो पार्ले फॉर द ओशंस है, ये एक US बेस्ड कंपनी है जो काम करती है फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, तो राजधानी अमरावती है, कुल 26 डिस्ट्रिक्ट है, CM है YS जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी, और यहां से लोकसभा के लिए 25 सीटें अलॉटेड है तो राज्यसभा के लिए 11 सीटें हैं। वहीं जो स्टेट एनिमल है आंध्र प्रदेश का, वो है ब्लैक बग, और स्टेट बर्ड है रोज रिंग्ड पैराकीट। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है वो भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है श्री कला हस्ती टेम्पल और दूसरा है वेंकटेश्वर टेम्पल। तो ये दोनों के दोनों टेम्पल आंध्र प्रदेश में है। विच इंडियन एयरलाइंस हैज जॉइंड अ सस्टेनेबल इनिशिएटिव स्पीयर हेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के नेतृत्व में कौन सी इंडियन एयरलाइंस एक स्थायी पहल में शामिल हुई है? तो वो है ऑप्शन ए इंडिगो एयरलाइंस। भारत का लार्जेस्ट कैरियर इंडिगो ने ज्वाइन किया है एक सस्टेनेबल इनिशिएटिव, जिसे शुरू किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इसके तहत इंडिगो भी एक सिग्नेटरी हो गया है टू क्लीन स्काइज फॉर टुमारो कैंपेन। और ये जो कैंपेन है, ये वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था फॉर एविएशन इंडस्ट्रीज। तो जितने भी इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी है, उन्होंने इस मुहिम को स्टार्ट किया था ताकि 2050 तक कार्बन न्यूट्रल फ्लाइंग को अचीव किया जा सके। Who launched India's first virtual school for students? छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल। और ये देश का पहला वर्चुअल स्कूल है जिसका नाम रखा गया है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, जो दिल्ली बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन से एफिलिएटेड है, और इस स्कूल में सिर्फ क्लास 9 से 12 के बच्चों की ही पढ़ाई होगी, और वहीं स्कूल में पूरे देश से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और इस वर्चुअल स्कूल में आपको लाइव क्लासेस मुहैया कराई जाएगी और साथ में रिकॉर्डेड क्लास सेशंस भी। और ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पे ये वर्चुअल क्लास चलेगा, उसे डेवलप किया है गूगल और स्कूल नेट इंडिया ने। हु ऑथर्ड द बुक इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखे हैं ऑप्शन डी पुलापरे बालकृष्णन ने, पी बालकृष्णन। भारतीय अर्थशास्त्री पुलापरे बालकृष्णन जी ने किताब लिखी है जो बात करता है जितने भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज और डेवलपमेंट हुई है ब्रिटिश पीरियड से लेकर नेहरू जी के कार्यकाल तक, और वहीं नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर अभी यानी कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल तक। तो इस किताब में आपको फेज वाइज मैनर में जितने भी डेवलपमेंट भारत में हुए हैं, सब कुछ देखने को मिलेगा। वहीं ये किताब पब्लिश किया है परमानेंट ब्लैक ने।
एक और बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखे हैं ऑप्शन सी आशुतोष राराविकर, ऑप्शन सी आशुतोष राराविकर। आशुतोष जी जो है वो आरबीआई में डायरेक्टर है इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। इन्होंने ये किताब लिखा है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और वहीं इस किताब का जो फॉरवर्ड लिखा है वो विवेक देबरॉय जी ने लिखा है, जो कि चेयरमैन है ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। वहीं इस किताब को पब्लिश किया है अस्वाद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने। विच स्टेट लॉन्च महिला निधि अलोन स्कीम फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वोमेन। किस राज्य ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? तो वो राज्य है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसे लॉन्च किया था महिला निधि, जो कि एक लोन स्कीम है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो इस स्कीम के थ्रू महिलाओं को लोन दिया जाएगा। और वही स्कीम को लॉन्च किया गया था वुमेन्स इक्वालिटी डे के उपलक्ष्य में, जो पड़ता है 26 अगस्त को। वही राजस्थान बना दूसरा राज्य ये स्कीम महिला निधि लॉन्च करने वाला। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि महिला निधि स्कीम को किस राज्य ने पहले लागू किया? तो किया तेलंगाना ने, तेलंगाना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सीएम उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना? किस राज्य सरकार ने सीएम उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो किया है ऑप्शन सी उत्तराखंड ने, ऑप्शन सी उत्तराखंड। और इसे वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लॉन्च किया, और ये लॉन्च किया था ऑन ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो पड़ता है 29 अगस्त को। और ये जो स्कीम है ये एक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, जिसके तहत हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द स्टेट को। और ये स्कीम का फायदा वही खिलाड़ी उठा सकते हैं जिस खिलाड़ी का उम्र 8 से 14 वर्ष की बीच में हो। और स्कीम के तहत टोटल 3900 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा हर साल। इन विच कंट्री हम्बन टोटा पोर्ट इज लोकेटेड? हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको हमें इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। वहीं हमारा ये जो डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।